खबर गोंडा से है, जहां मांझा गांव में चारों तरफ कोहराम मचा रहा। चंडीगढ़ के अंबाला शहर से गांव में पहुंचे एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की करंट लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत हो जाने पर चंडीगढ़ में दाह संस्कार कर दिया था। वहीं 5-6 दिन बाद दूसरे भाई का भी इलाज के दौरान मौत हो गई। जब आज एक भाई का अस्थि कलश और दूसरे की शव गांव पहुंची तो परिवार ही नहीं पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। गांव की चारों तरफ जो कोई सुना रोते बिलखते दौड़ पड़ा, भगवान यह क्या हो गया। सबके मुंह पर यही बात गूंजती रही। कटरा थाना क्षेत्र के पिपरी मांझा निवासी जसवंत शुक्ल के दो पुत्र लव कुश शुक्ला वर्मा उर्फ राहुल और रोहित करीब एक माह पूर्व घर से चंडीगढ़ के अंबाला शहर में जीवन यापन के लिए मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन घोषित होने के बाद भी DTI की फैक्ट्री द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए फैक्ट्री के अंदर मजदूरों से काम कराया जा रहा था। अचानक 1 अप्रैल को मशीन में करंट उतर जाने के कारण दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों भाइयों की एक के बाद एक की मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर परिजन अंबाला शहर पहुंचे, जहां पर प्रशासन द्वारा रोहित का दाह संस्कार करा दिया गया था। परिजनों ने बड़े पुत्र लव कुश उर्फ राहुल का शव और छोटे पुत्र रोहित की अस्थि को लेकर गांव पहुंचे। शव गांव में पहुंचते ही पूरे गांव में परिवार में कोहराम मच गया। दो पुत्रों की मौत से बुझा चला। जसवंत राव शुक्ला के दो पुत्र व दो पुत्रों की शादी हो चुकी थी। दोनों अपने अपने ससुराल में रहती थी। पुत्रों की शादी नहीं हुई थी। गरीब परिवार होने के कारण दोनों पुत्र जीवन यापन के लिए चंडीगढ़ के अंबाला शहर में मजदूरी करते थे। मौत की खबर सुनकर पिता जसवंत लाल शुक्ला व माता प्रेमती शुक्ला का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक ही परिवार के दो युवक की मौत की खबर सुनकर पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे, राहुल तिवारी, पत्रकार लल्ला राम बदल, मालती बदन चतुर्वेदी मौके पर पहुंचकर शोकाकुल परिवार की हिम्मत बढ़ाते हुए शोक संवेदना व्यक्त की।